नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज ड्रिवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर्स द कॉन्स्टेंट पावर के वॉट्स इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्राम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम टी विल बी और चार ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं नाउ थोड़ा सा लंबा सवाल है थोड़ा सा यहाँ पे मैं हमेशा अपनी क्लासरूम में कहता हूँ कि आपको इक्वेशन से खेलना आना चाहिए दिस एग्जांपल, दिस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि पावर जो है वो आपकी कॉन्स्टेंट है सो लेटस से पावर पी इज इक्वल टू के हमको एक वेरिएबल मान लेते हैं पावर ये दी हुई है विच एम्प्लाईज़ इसका मतलब ये होएगा हम पावर को ले सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के यानी कि आपका डी uh, डब्ल्यू ये हो गया के डी टी ना डी डब्ल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड पे है दैट इज़ अपना छोटा सा स्मॉल इंक्रीमेंटल वर्क उसको हम लिख सकते हैं एफ डी एक्स विल बी इक्वल टू के डी टी और इस एफ को हम लिख सकते हैं फोर्स uh, जो है उसको हम लिख सकते हैं मास टाइम द एक्सलेन सो दिस विल बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेशन को हम एक और चीज़ लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू वी इन टू डी वी बाय डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू के डी टी डी एक्स विल कैंसल तो हम इसको लिख सकते हैं वी मल्टीप्लाइड बाई डी वी इज इक्वल टू के बाय एम डी टी ये रिलेशन uh, अपना एक रिलेशन uh, आ गया नाउ इसको अगर हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट करें तो हमारा वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेशन आ जाएगा सो लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेट किया तो वी स्क्वायर बाय टू आ गया लिमिट जीरो से वी रखी है बिकॉज हमें पता है इनिशियली हमने रेस्ट से चालू किया है जीरो से टू तो वी स्क्वायर टू हो गया आपका के बाय एम डी टी यानी कि आपकी वी की वैल्यू हो गई अंडर उट ऑफ टू के एम टी इसको जब इंटीग्रेट करेंगे टी आ जाएगा सो so, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू हो गई सो so, ये तो आया एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपकी वेलोसिटी क्या होगी हमें निकालना है फोर्स क्या होएगा उस फोर्स के लिए हमें इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उससे एक बार इसको टी पे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सलेशन आएगा मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना फोर्स आ जाएगा सो so, एक्सलेशन विल बी इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाय डी टी तो इसको अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है सो so, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट टू के बाय एम ये तो आपका कांस्टेंट uh, है अंडर रूट टी को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट टू का अंडर रूट टी का डिफ्रेंशिएशन आएगा वन बाय टू रूट टी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि एक्सलेशन ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये बन जाएगा के ये टू uh, बाहर है सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू टी ये आपका एक्सेलेशन आ गया सो so, इसी को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे सो फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए सो इसी को मास से मल्टीप्लाई करके अपना जो फाइनल uh, वैल्यू आ जाएगी फोर्स की सो दैट विल बी इक्वल टू एम टाइम्स अंडर रूट ऑफ के बाय टू एम टी सो अपना फोर्स की फाइनल वैल्यू हो गई एम uh, को हम अंदर ले आते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू के एम डिवाइड बाई टू और मल्टीप्लाइड बाई वन बाय रूट टी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी would be the right answer.